तमाम राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन जब राजनीति में उन्हें हिस्सेदारी देने की बात आती है तो चुप्पी छा जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। एमपी में अब तक राजनीतिक दलों ने अपनी लिस्ट में कुछ नामों को छोड़कर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को शामिल नहीं किया है। हाल ही में घोषित कांग्रेस की 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार आरिफ मसूद का नाम भोपाल मध्य सीट से है। वहीं भाजपा की अब तक की चार सूचियों के कुल 136 उम्मीदवारों में कोई भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की अब तक घोषित सूची में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। बसपा ने 73 उम्मीदवारों में से एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने 39 उम्मीदवारों में से सिर्फ दो मुसलमान मैदान में उतारे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों में से किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, जबकि वो यूपी में मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 7 से 8% है, यानी सूबे में उनकी आबादी 50 से 60 लाख है। राज्य भर में 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर उनकी निर्णायक मौजूदगी है। सूबे की जिन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की ठीक ठाक मौजूदगी है, उनमें भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, नरेला, जबलपुर उत्तर, जबलपुर पूर्व, बुरहानपुर, देवास, शाजापुर, उज्जैन उत्तर, ग्वालियर दक्षिण, इंदौर 1, इंदौर 3, देपालपुर, खंडवा, खरगोन, सागर, रतलाम शहर और सतना खास तौर पर शामिल हैं। जहां तक राज्य विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व का सवाल है, साल 2018 के विधानसभा चुनाव में दो मुस्लिम उम्मीदवार आरिफ अकील और आरिफ मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए थे। दोनों भोपाल शहर से हैं। किसी अन्य पार्टी से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चुना गया था, जबकि एक समय मुस्लिमों की एमपी विधानसभा में अच्छी उपस्थिति थी। खासकर कांग्रेस उनको प्रमुखता से जगह देती थी। 1962 में मुस्लिम समुदाय से लगभग 7 विधायक चुने गए थे, इनमें से 6 कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे। 1972 में 6 मुसलमान जीते। अगले 3 चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या 3, 6 और 5 थी, जबकि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद 1990 में ये संख्या घटकर 2 रह गई। 1993 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय से कोई भी विधायक निर्वाचित नहीं हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद से एमपी की विधानसभा में मुसलमानों की मौजूदगी कम होती जा रही है। यहां तक कि कांग्रेस भी मुस्लिम नेताओं को उम्मीदवार के रूप में उतारने से बचती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लिए समस्या अब ये है कि उनके पास ऐसे नेता नहीं है जिनका समुदाय पर कोई प्रभाव हो और जिनकी आवाज वास्तव में राजनीतिक दलों में सुनी जाती हो। साल 1998 और 2003 के चुनाव में मात्र 2-2 मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए थे, जबकि मुसलमानों की एमपी के 47 निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छी मौजूदगी है, जो लगभग 22 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा था कि यदि उन्हें 90% मुसलमानों का समर्थन मिल जाए तो वो सरकार बना लेंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उस समय कांग्रेस ने 10 से 12 सीटों पर मुस्लिम वोटों के दम पर बेहतरीन प्रदर्शन भी किया था। फिर भी इस बार मुस्लिम समुदाय के नेताओं को कांग्रेस ने टिकट वितरण में खास तरजीह नहीं दी है। जानकार कहते हैं कि सूबे में ऐसा माहौल है कि कोई भी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर बहुसंख्यक मतों के खिसकने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जेपी धनोपिया कहते हैं कि कांग्रेस जाति या धर्म के आधार पर नहीं सोचती है, हम सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करते हैं।